हेलो चिल्ड्रन, बेटा टुडे विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं बेटा विशेषण, ठीक है, विशेषण। और इंग्लिश को एक सिंपल वर्ड में हम कहते हैं बेटा इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड। अगर सिंपली आपसे पूछता है वॉट आर, जैसे मैंने नाउंस पढ़ाए थे वो भी वर्ड्स होते हैं बट वो नेमिंग वर्ड्स थे। यहाँ पे एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइब होता है किसी की व्याख्या करना, किसी के बारे में नई नई बातें बताना। टू ऐड और टू टेल समथिंग, डिस्क्राइब का मतलब ही इंग्लिश में होता है टेल्स मोर अबाउट, किसी के बारे में और नई नई बातें बताना। तो एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में एक सिंपल वर्ड और होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। और वो किसको डिस्क्राइब, टू होम इट डिस्क्राइब्स, इट ऑलवेज डिस्क्राइब्स नाउन्स। ये नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, इसका रिलेशन जो हमने नाउन्स पढ़े हैं उसी से है। ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की विशेषता बताता है, कोई पर्सन एनिमल थिंग कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसके नंबर के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में। अगर उनका है ना नाउंस, तो अलग अलग तरीके की क्वालिटी में तो आपके गुण अवगुण सब कुछ होते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो होती है वो उसकी विशेषता होती है, ठीक है। तो आपको एक सिंपल वर्ड्स में आप कोई पूछता है अगर तो आप डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलेंगे, बट कंप्लीट डेफिनेशन लिखने तो आप लिखोगे बट बेटे अगर आप एक सिंपल एक डेफिनेशन बताएंगे तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, जैसे नाउन वर्ड था वो नेमिंग वर्ड है, ऐसे एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, ये भी एक वर्ड होता है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट टेल अस मोर। टेल अस मोर मतलब डिस्क्राइब्स, मैं डिस्क्राइब बोल लूँ या टेल अस मोर अबाउट, किसके बारे में? टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग, या डायरेक्टली मैं कह सकती हूँ पर्सन प्लेस एनिमल क्या होते हैं बेटा, ये नाउन्स ही होते हैं, या मैं सिंपली कह सकती हूँ इनको दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स, जो नाउन्स के बारे में नई नई बात बताता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, नंबर्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, कि वो कैसा दिखता है, उसका शेप साइज, दैट कम्स अंडर एडजेक्टिव्स। फाइन, तो सिंपली व्हाट इज़ रिटन योर बुक, जस्ट लुक एट हियर, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, फिर से डेफिनेशन लिखी है, दैट डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब को मैंने लिख दिया टेल अस मोर अबाउट, या उसको कहते हैं क्वालिफाइज। क्वालिफाइज का मतलब होता है जस्ट डिस्क्राइब करना। आ नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है, जो मैंने आपको इंडायरेक्टली बताया, पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग्स, राइट। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, ये क्या क्या चीज़ें बताता है नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी बता सकता है। क्वालिटी होती है बेटा विशेषणता ही, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जितने भी अपोजिट वर्ड्स आते हैं बेटा वो क्वालिटी में आते हैं। देन क्वांटिटी में, कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम अलग से वर्ड्स यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का, सम, ऑल, नो, एक्सेट्रा, तो वो आपके क्वांटिटी में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए अलग से हम, कुछ नाउन्स होते हैं जिनको गिन नहीं सकते, उसके लिए हम अलग तरीके की क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, जैसे मैंने बताया है ना। एंड टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट होता किसी चीज़ को दिखाकर स्पेशली बताना, यानी कि जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ दिस पेंसिल इज़, तो देखो दिस पेंसिल, मैंने पेंसिल के आगे दिस वर्ड लगाया, दिस दैट दीज दोज आपने पहले पढ़ा है, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, सांकेतिक रूप से हम किसी को दिखाते हैं संकेत करके, इशारा करके, तो उस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में, तो हम उसके आगे टू पॉइंट आउट करते हैं, तो वो वर्ड्स भी आपके एडजेक्टिव में ही आते हैं, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यानी वो किसी की क्वालिटी भी बता सकता है, क्वान्टिटी भी बता सकता है, और टू पॉइंट आउट भी कर सकता है उस पर्सन को, ठीक है। नाउ सी पोजिशन, ये बेटा आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, स्टिल आई हैव रिटन फॉर योर टू मेक यू टू अंडरस्टैंड इन योर बुक पोजिशन ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पोजिशन कहाँ होती है सेंटेंस, पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में है उसमें सब कहाँ एडजेक्टिव को कहाँ लिखते हैं हमें पहचान, नाउन को तो डिस्क्राइब करता है हमें पता है, पर इसकी पोजिशन होती है एडजेक्टिव ऑलवेज, ठीक है। एडजेक्टिव ऑलवेज रिटर्न, रिटर्न वी कैन से कम्स और प्लेस जस्ट बिफोर द नाउन, जिस नाउन को वो डिस्क्राइब करता है, जस्ट बिफोर दैट, बिफोर द नाउन टू होम इट डिस्क्राइब्स, जस्ट बिफोर एकदम उसके पहले, जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है उसके जस्ट पहले जो वर्ड होगा वो वर्ड उसका अगर एडजेक्टिव है तो वो आपको पता चल जाएगा। या फिर वो होता है एट द आफ्टर द नाउन, आफ्टर द नाउन होगा तो जब वो आएगा आपका एंड ऑफ द सेंटेंस, लास्ट वर्ड जो सेंटेंस का होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे सेंटेंस देखिए, सम सेंटेंसेज आर रिटन हियर, फर्स्ट सेंटेंस सिंपली लिखा हुआ द मैन कैन डांस, तो हियर मैन इज नाउन, राइट। तो अब मैन कैसा है ये तो नहीं बताया, तो मैन कैन डांस, मैन डांस कर सकता है। अब यहाँ पे मैन को उसी को आपको एडजेक्टिव करके सेंटेंस में थोड़ा सा वेरिएशन करना है, द ओल्ड मैन कैन डांस, तो हैव यू सीन, या मैन से पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया है ओल्ड, इस मैन को हमने डिस्क्राइब किया, इसके बारे में नई चीज़ों को हमने टेल्स मोर अबाउट, हमने इस मैन के बारे में नई बात बताने की कोशिश की है क्वालिफाई करने के लिए, तो लिखा है मैन कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन, तो हैव यू सीन, मैन इज़ नाउन, ये कॉमन नाउन होगा, उसके जस्ट बिफोर वो मैन कैसा है ओल्ड वर्ड है,
मैंने बताया था पोजीशन एडजेक्टिव हमेशा आपका जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है उसके जस्ट बिफोर आता है. तो ओल्ड इज द एडजेक्टिव विच इज़ डिस्क्राइबिंग मैन विच इज़ अ नाउन. कैन डांस, एन ओल्ड मैन कैन डांस, एक बूढ़ा आदमी डांस कर सकता है. सी इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो हो गया पर्संस में. दिस काइट इज माइन. ओके, यहाँ पे दिस वर्ड भी आपका एडजेक्टिव है, लिखा नहीं हुआ टू पॉइंट आउट वर्ड. देखिए नाउन से पहले दिस दैट जो वर्ड है, यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं आपके. दिस भी एडजेक्टिव है, ये आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में मैं आपको पढ़ाऊंगी. रेड भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे कलर के बता रहा है. यहाँ पे देखिए काइट इज़ अ नाउन और व्हाट काइंड ऑफ काइट इट इट इज़ रेड इन कलर. तो रेड वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब दैट काइट. तो नाउन को डिस्क्राइब करता है, पोजिशन के हिसाब से बताया. इट कम्स जस्ट बिफोर द नाउन टू हुम इट डिस्क्राइब्स. फाइन, दिस इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है बेटा, ये हम टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे. दिस दैट दोज अगर नाउन से पहले आते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं. राइट, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. माय मदर बॉट अ फ्लावर वास. तो हियर फ्लावर इज अ नेम ऑफ अ थिंग. अब इसमें पूछा उसके साइज के बारे में, आपको उसको डिस्क्राइब किया. माय मदर बॉट, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर वास शी ब्रॉट. शी ब्रॉट अ लार्ज. लार्ज मीन्स बिग, है ना, थोड़ा बड़ा. तो सी फ्लावर वास इज अ नाउन और इसको डिस्क्राइब करा है कि उसका साइज बताकर कि वो कैसा है साइज में, तो वो लार्ज है. तो लार्ज इज द एडजेक्टिव, ओके, व्हिच इज डिस्क्राइबिंग फ्लावर वास. हैव यू सीन हियर इन ऑल दीज थ्री सेंटेंसेज द पोजिशन ऑफ द एडजेक्टिव इज जस्ट बिफोर द नाउन टू हुम इज डिस्क्राइब. ये उसी नाउन्स के जस्ट पहले आ रहा है. वो कि उसका कलर भी हो सकता है, उसका साइज भी हो सकता है, उसकी एज के तरीके से भी अपेरेंस में आ जाएगा आपका. ठीक है, नाउ सी द वर्ड ओल्ड रेड एंड लार्ज आर डिस्क्राइबिंग. ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है और डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम कह रहे हैं वी कैन सी एडजेक्टिव्स. दे डिस्क्राइब द नाउन, ये नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं. और वो कौन कौन से नाउन है, जैसे मैन को, ओल्ड मैन को कर रहा है, रेड काइट को कर रहा है डिस्क्राइब, और लार्ज फ्लावर वास को. इन और ये बताया इन ग्रामर में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं. इट इज़ रिटन इन ग्रामर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव. अगेन बेटा हम टेलिंग दिस थिंग, अगर कोई आपसे पूछता व्हाट आर एडजेक्टिव्स, तो मैंने बोला था एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं. जैसे नाउन को नेमिंग, ऐसे एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण और हिंदी में इंग्लिश में इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. एक सिंपल सेंट. तो अगर आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट आर एडजेक्टिव्स, तो यू विल से एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग मतलब विशेषता बताने वाले शब्द. डिस्क्राइब का मतलब ये होता है, डिस्क्राइब मीन्स टेल अस मोर अबाउट, किसी चीज़ के बारे में नई बात बताना. Describing words that describes nouns. और noun में person भी हो सकता है बेटा आपका, animal भी हो सकता है, place भी हो सकता है. ठीक है, depend करता है. और thing भी हो सकती है, वो किसी को भी describe कर सकता है. Just like this is a pencil. ये pencil एक noun है, इसको मैं कैसे describe. The pencil is blue and grey in color. तो ये color के तरीके से. This pencil is sharp. तो sharp इसकी adjective हो गया ना, pencil. तो आपने देखा मैंने एक sentence लिखा है यही इसी तरीके से, दिस पेंसिल के कलर के बारे में और उसकी शार्पनेस के बारे में. तो ये आपने देखा है सम एग्जांपल्स. स्वीट, जो भी आप अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं, मैंने बताया था जूनियर क्लासेस, तो वो आपके अपोजिट वर्ड में आते थे. ठीक है, क्वालिटी में. स्वीट, सॉर, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, अगली, शार्प, थिन, रेड, ब्लू, ब्लाइंड, ओल्ड, न्यू, है ना, ब्यूटीफुल, अगली आ सकते हैं, वंडरफुल, इंटेलिजेंट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. दैट कम्स अंडर एडजेक्टिव. ठीक है, ना पोजीशन बता रही थी बेटा, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, फिर भी बता आपको एडजेक्टिव कहाँ लिखते हैं हम सेंटेंस में, उसकी पोजीशन ना, प्लेस कौन सा होता है सेंटेंस, किस जगह लिखा जाता है. इट इज़ रिटन जस्ट बिफोर द नाउन, जिस नाउन को वो डिस्क्राइब करता है उसके जस्ट पहले लिखा जाता है, और टू होम इट डिस्क्राइब्स, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंसेस के एंड में लिखा जाता है. नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू विद दिस. नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, बता दूँ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं. एडजेक्टिव्स आर मेनली ऑफ सिक्स टाइप. टाइप कह लीजिए, काइंड्स कह लीजिए, सेम थिंग. तो वी कैन से एडजेक्टिव्स आर मेनली ऑफ सिक्स टाइप्स. ये सिक्स टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको जस्ट एक नोटबुक में लिख के बता रही हूँ. एवरीथिंग इज रिटन इन द फर्स्ट इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके, देयर आर फर्स्ट इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एंड दैट सिक्स्थ इज योर पॉजिटिव एडजेक्टिव. वी विल स्टडी अबाउट ऑफ ईच काइंड ऑफ एडजेक्टिव वन बाय वन, ओके. बट हैव यू सीन, यहाँ पे मैंने टाइप लिखा तो पहले एडजेक्टिव जो लिखे उसमें पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम पीछे लिखा, बट इन द रेस्ट लास्ट थ्री व्हाट आई डिड,
आई हैव रिटन नेम ऑफ दैट एडजेक्टिव बिफोर एंड एट एडजेक्टिव मैंने उसको एंड में लगाया. तो ये बेटा सिस्टम ऐसे ही चलेगा इसका, ठीक है. तो टुडे फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फाइन, सी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम बेटा कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जो गुणों को बताए. गुण अच्छे भी हो सकते हैं और उसको अवगुण भी कह सकते हैं. गुण और अवगुणों को वी कैन से गुण या अवगुण. जो क्वालिटी होते हैं गुड क्वालिटी और बैड. गुण होते हैं गुड क्वालिटी और अवगुण होते हैं बेटा आपके बैड क्वालिटीज. ओके, इट कैन बी गुड और बैड. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इज एन एडजेक्टिव. जो किसी की अभी जो बताया मैंने आपको, जो कलर शेप मीन्स इट इंक्लूड्स द बिहेवियर अपियरेंस शेप साइज कलर टेस्ट ऑफ एनी थिंग या एनी नाउन. जो किसी भी नाउन की बिहेवियर के बारे में कि उसका बर्ताव कैसे, काइंड है, क्रूअल है, हम्बल है, ऑनेस्ट है, राइट. इन दैट अपीयरेंस हाउ ही लुक्स, अपीयरेंस को हम कहते हैं बेटा लुक्स, वो दिखता कैसा है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, लवली है, इन दैट सेंस, राइट. शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, ट्राइंगुलर है, इन दैट शेप, राइट. साइज में आपका बिग है, स्मॉल है, देन लार्ज है, टाइनी है, दैट कम्स इन टू साइज. कलर आपको पता है किसी थिंग का, जस्ट लाइक दिस इज अ पेंसिल. ओके, अगर इस पेंसिल इज अ नेम ऑफ अ थिंग, ये नाउन है, इसको मैं डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे डिस्क्राइब. अगर मैं इसकी शेप के बारे में बात करूँगी तो इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप. सिलेंड्रिकल शेप में होती है बेटा, तो ये शेप बताता है. तो उस थिंग के बहुत सारे तरीके से साइज बताऊँगी तो ये शॉर्ट इन साइज, ये छोटी है साइज में. अगर मैं कलर के तरीके से बताऊँगी तो इसको अपीयर कर सकते हैं, इट इज़ ग्रे एंड सिल्वर भी बोल सकते हैं एंड ब्लू इन कलर, टू कलर्स हैं इसके साथ में, ठीक है. फिर अगर मैं इसकी अपीयरेंस बताती तो अपीयरेंस में ये शार्प है, ठीक है, शार्प. दिस पेंसिल इज शार्प. तो देखिए टेस्ट तो कर नहीं सकते, है ना, तो इसमें टेस्ट इंक्लूड नहीं कर सकते, बट एक ही थिंग को हम उसके शेप साइज और कलर के हिसाब से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है एक ही थिंग उस थिंग एक ही चीज़ उस एक ही वर्ड उसको डिस्क्राइब. एडजेक्टिव बहुत सारे एडजेक्टिव एक थिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ थिंग. ओके, द एडजेक्टिव और कॉल एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वालिटी का मीन्स होता है काइंड ऑफ. सो द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, किस प्रकार का है जो पर्सन या एनिमल किस प्रकार का है, है ना, व्हाट काइंड. आई हैव यू जस्ट सी दिस एग्जांपल्स. ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहुत ही बहादुर लड़का है. तो हैव यू सीन ये व्हाट इज नाउन, तो नाउन को डिस्क्राइब करता है और नाउन के जस्ट बिफोर होगा या एंड ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पे हमने मैंने जितने आपको एग्जांपल बताया उसमें आपके ओनली जस्ट बिफोर द नाउन डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखे थे. बट अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, दिस इज, जैसे इसमें लिखा है दिस बॉय इज ब्रेव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. तो हैव यू सीन यहाँ पे बॉय है, ये नाउन है, है ना, और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ब्रेव. तो ब्रेव इज योर एडजेक्टिव. तो एज आई टोल यू पोजिशन आपकी बिफोर द नाउन भी हो सकता है जिसको, या एंड ऑफ द सेंटेंस नाउन के बाद भी आ सकता है, बट वो आखिरी में ही आएगा, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट वर्ड जो होगा. द बॉय इज ब्रेव. तो एडजेक्टिव या तो जस्ट बिफोर द नाउन या एंड ऑफ द वर्ड ऑफ द दैट सेंटेंस जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है. आफ्टर द भी नाउन भी आ सकता है. सी द बॉय कैसा है, ब्रेव. तो हैव यू सीन यहाँ पे ब्रेव, नाउन इज बॉय और उसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है बेटा, ब्रेव वर्ड कर रहा है. तो ब्रेव इज योर एडजेक्टिव. लड़का कैसा है, ब्रेव. तो वो उसका बिहेवियर बता रहा है कि वो ब्रेव है. सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, शी इज अ ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे नाउन है गर्ल और गर्ल कैसी है, व्हाट काइंड का आंसर दे रहा है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल. गर्ल से क्वेश्चन करती हूँ तो मैं बोल उससे पूछूंगी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, तो बोलेंगे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. वह लड़की है पर कैसी है, व्हाट काइंड, तो बोलेंगे वो उसकी अपेयरेंस के बारे में बता रहा है, सुन कि वो कैसे उसके लुक वाइज की वो कैसे दिखती है. ब्यूटीफुल भी हो सकता था यहाँ पे, लवली भी हो सकता है, स्मार्ट भी हो सकता है. ये आपको तो समझाने के लिए जैसे इन्होंने ब्यूटीफुल लिखा है. देयर आर मैनी एडजेक्टिव वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब अ सिंगल नाउन. बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स भी एक नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. फाइन, टॉल गर्ल भी हो सकता है. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ रेड कार. आपने यहाँ देखा कार इज अ नाउन एंड नाउन को ये कार की कलर के हिसाब से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, कि वो कलर कैसी है, व्हाट काइंड, उसका कलर. तो यहाँ पे मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जितने भी अपोजिट वर्ड्स आपने पढ़े हैं आज तक जूनियर क्लासेस में, दैट ऑल्सो कम्स अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जस्ट लाइक स्मॉल, बिग, है ना, हैप्पी, सैड, ब्यूटिफुल, अगली, ऑल कम्स अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फाइन, तो एडजेक्टिव क्वालिटी किसके बारे में बताएगा, ओनली किसी भी पर्सन, एनिमल या थिंग के बिहेवियर के बारे में.
अपीरेंस वो कैसा दिखता है या उसकी शेप साइज कलर या टेस्ट के बारे में, ठीक है। कुछ खाने की चीज़ होगी जस्ट लाइक मैंगो, तो मैंगो मैंगो जो होता है वो स्वीट भी हो सकता है, स्वीट मैंगो, वो रॉ भी हो सकता है, वो सौर भी हो सकता है खट्टा। अगर कलर के हिसाब से करूँगा तो येलो भी हो सकता है, और अगर पका हुआ है तो राइप, अपीयरेंस के हिसाब से उसमें उसको राइप मैंगो भी बोल सकती है। तो एक मैंगो नाउन है, उसको बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी रंग भी, मैंगो को उसके साइज़ के बारे में बता सकते हैं, वो स्मॉल है या बिग है, उसकी टेस्ट में स्वीट सॉर और आ सकता है, अपीयरेंस कैसा है, पका हुआ है कच्चा हुआ, अपीयरेंस रॉ कच्चा, राइप है तो पका हुआ। इज इट क्लियर? तो इन दिस सेंस मैनी वर्ड्स कैन डिस्क्राइब अ नाउन, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या क्वालिटी में जितने भी अपोजिट वर्ड्स आते हैं दैट ऑल्सो कम्स अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग बेटा, एडजेक्टिव क्वालिटी को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। वो किसी भी एनिमल, पर्सन या थिंग के गुण या अवगुण, गुण में गुण भी अच्छे भी हो सकते हैं, बैड क्वालिटी भी। इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, क्वालिटी को शो करता है कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती है बेटा। इट इंक्लूड्स और शोज द शेप, वो किसी भी नाउन, पर्सन या एनिमल्स की शेप भी बता सकता है, उसके साइज़ के बारे में, आकार या उसका साइज, कलर कैसा है, टेस्ट खाने की चीज़ है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, अपीयरेंस लुक वाइज वो कैसा दिखता है या उसका बिहेवियर है ना, वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो दैट कम्स अंडर ऑल दिस वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑल अपोजिट वर्ड्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सब एग्जाम्पल जैसे स्वीट, सॉर, बीटर, ये टेस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। ब्लू, ऑरेंज, ये कलर्स के बारे में बताते हैं। बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ह्यूज, दैट कम शोज अ शेप एज वेल एज सॉरी साइज, ठीक है। देन ब्यूटिफुल, लवली, स्मार्ट, हैंडसम, ये अपीयरेंस को बताता है। काइंड, क्रूअल, रूड, पोलाइट, ऑनेस्ट, ये आपके बिहेवियर को बताता है। ये वर्ड सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, देर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स इन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अनकाउंटेबल होते हैं, ये भी बहुत सारे होते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स, तो बट इसलिए मैंने कुछ आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिए बेटा, ओके। सो टुडे आज आपको यहाँ तक पढ़ना है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।